हेलो फ्रेंड्स, हमारे घर आपको फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ खस्सी का भरवा। ऐसे आपने उसका भुनिया तो बहुत खाया होगा, अगर हो सकता है आप उसका कुछ दूसरा नहीं नाम बोलते हो, जो भी नाम बोलते हो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसी को हम खस्सी बोलते हैं। खस्सी का भरवा बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाले पार्ट को सबसे पहले इसे धो के अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पार्ट को काट लेंगे और इस तरह से पीलर की मदद से इसे अंदर डाल के इसके सारे बीज को हम निकाल देंगे। अगर थोड़ा टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके हम अच्छे तरीके से, उसमें बीज बहुत सारा होता है, उसे अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे ताकि उसमें अच्छे से जगह बन पाए। देखिए, इस तरीके से हमने सारे खस्सी का बीज निकाल के पहले से रखा था, जो दो दिखा दिया मैंने। अब फिर हम प्याज की बारीक कटिंग कर लेंगे, एकदम प्याज बारीक काटें ताकि हम उसमें भरने में हमें आसानी हो। इस तरीके से हमें बारीक काट लेना है प्याज को। प्याज का हमने बारीक कटिंग कर लिया था, हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया और कढ़ाई में 2 चम्मच भर के तेल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले चटकने दें, जब वो चटक जाए तब उसके बाद हम प्याज के टुकड़ों को डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से चला दें। प्याज को तब तक लगातार चलाते हुए भूनना जब तक वो अपना कलर ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर उसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के पेस्ट डालेंगे, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच सब्जी मसाला। इन सभी चीज़ों को डाल देंगे हम। इन सभी सूखे मसालों को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है, मैंने धनिया इसमें 3 चम्मच डाला है। धनिया डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए सूखे मसालों में धनिया थोड़ा ज़्यादा डालें, धनिया पाउडर। अब इसे हम चला दिए, सूखे मसाले जल ना जाए इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने से सूखे मसाले हमारे जलेंगे नहीं, इसे अच्छे तरीके से पकने में मदद करेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक वो उसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। अब फिर हम उसमें टमाटर ऐड कर डाल देंगे, कटी हुई टमाटर, 2 टमाटर है इसे काट के डाल देंगे और टमाटर के साथ भी इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। टमाटर को तब तक पकाना है जब तक वो पूरा अच्छे तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर और मसालों को ढककर पकाएं ताकि उसका कच्चापन जल्दी से ख़त्म हो जाए और फिर नमक डाल दें। नमक डालने से थोड़ा सा टमाटर भी जल्दी पकेगा, ऐसे नमक डाल के भी पकाएंगे। फिर हम उसमें 2 चम्मच बेसन का डाल देंगे। बेसन डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बेसन को थोड़ा डालने के बाद थोड़ा भूनना पड़ता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। खस्सी को भरने के समय बेसन डालना बहुत ही ज़रूरी है। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से चला देंगे। बेसन और मसाले को भूनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा। उसके बाद हम जो कटे हुए बीज हमने उसके अंदर से खस्सी के अंदर से निकाला था वो उसमें डाल देंगे। उसे भी धीमी आंच पर, इसीलिए मैंने छोटे वाले फ्लेम पर चढ़ा दिया, धीमी आंच पर इसे पकाना है। इसे भी डालने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसे ढक ढक के पकाते रहना है। और उसके बाद फिर उसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और ये चाट मसाला, या तो आप आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं या चाट मसाला, मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। सभी मसाले देखिए कितने अच्छे भून के तैयार, इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब हम उन मसालों को खस्सी के अंदर भर देंगे। अगर आप चम्मच की मदद से भर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ से इसी तरीके से डाल के अच्छे से एकदम प्रेस करते हुए ताकि वो पूरे मसाले अंदर अच्छे से जा सके, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हाथ के में भी आप इस तरीके से गोली बना के इसमें डाल दें। आप पूरा प्रेस करते हैं, उंगली से इसे प्रेस कर दें ताकि वो अंदर तक चला जाए। इसी तरीके से हम सारे खस्सी को भर के तैयार कर लिए। देखिए, हमारा खस्सी भर के तैयार है। इधर हमने पैन चढ़ा दिया, पैन में 4 चम्मच भर के तेल डाल देंगे। सरसों तेल में ही बनाएं, सरसों तेल में बनाने में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, हमारा खस्सी भी भर के तैयार है, उसमें हम इसे डाल देंगे। ऐसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, बहुत तेज़ फ्लेम पर नहीं, इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं तो आराम से पकेगा, नहीं तो ये अंदर तक नहीं पकेगा। इसका छत्ता थोड़ा मोटा होता है, इसलिए इसे पकने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहें और इसे ढक दें। बीच में ढके अलट पलट कर इसे पका दें। इसे पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में इसे इसी तरीके से घुमाते जाएं ताकि चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरीके का कलर आ जाएगा तो इसका मतलब पक गया। अगर आपको ना समझ में तो इस तरीके से चक्कू से इसमें प्रेस करके देख लें, अगर इसमें चक्कू घुस जा रहा है इसका मतलब वो
पक गया हमारा खक्सी। ये खक्सी हमारा पक के तैयार है, इसे हम निकालेंगे। ये देखिए।